सारे कबूतर अभी मैंने नए पुराने वाले खोल दिए जो हमने उड़ाने हैं अभी। ये जो हमने पकड़ा हुआ था इसके भी पर खोले थे ना, इसको मैंने पकड़ लिया, ये भी बाहर आ गया था। इसको तो अभी नहीं उड़ाएंगे क्योंकि छत पर छोड़ा बैठेगा ना तो सेट होगा, अभी ये सेट नहीं हुआ मुझे लग रहा है, तो इसको नहीं उड़ाएंगे। बाकी के सारे नए वालों को भी उड़ाएंगे और अपने वालों को भी। तो मौला बख्श जो है ना हमारा आ गया और कबूतर भी हमारे आ गए, चेक करें। आज बस बैठे नहीं कोई भी, नहीं नहीं अभी तक तो कोई भी नहीं बैठा, चेक करें। सारे नए वाले भी उड़ रहे हैं और पुराने वाले भी उड़ रहे हैं। ओ गए भाई, सारे आज तो सही उड़े हैं भाई, मजा आ गया। एक भी नहीं बैठा अभी तक तो, सबके यानी के पर सेट हो गए। अब मैं डंडा छोड़ रहा हूँ क्योंकि ज्यादा देर मैंने इनको डंडा करना नहीं है। अभी जो भी उड़ रहे हैं खुद से उड़े और खुद से वापसी आ जाए, बस सारे उड़ गए भाई आज तो, मजा आ गया। चेक करें, ये एक फीमेल बैठ गई, लो भाई अच्छा वाला उड़ गई थी लेकिन बैठ गई, और दूसरे कबूतर को भी बिठा रही है शायद। ये लें, ये बैठ गया, वो तो नहीं बैठा, सही है, वो तो अच्छा उड़ गया। और वो लाखा भी उड़ गया है, यानी कि तीन कबूतर तो उड़ रहे हैं सही वाले, एक बैठ गया बस। वो चेक करें, वो उड़ रहा है पट्ठा। अब बस ये खुद ही से वापसी आएंगे इंशाल्लाह, देखना। ये बैठ रहा है, ये बैठ रहा है, ये ठापे लगा के किधर बैठ रहा है। ओ भाई तो नीचे चला गया, वो चेक करें ये किधर बैठेगा। ओ ये तो गिरने लग गया बे, ओ ये तो गिरने लग गया, इसको फड़क मार के वापसी छत दिखानी पड़ेगी। तो ये पकड़ा वाला कबूतर भी मैंने छोड़ दिया, ये नीचे आएगा ना इसको देख के ये भी आ जाएगा। चेक करें, ये आ रहा है। वो एक तो सामने बैठ गया, बाकी के दो सही उड़ रहे हैं, लाखा और वो वाइट आंखों वाली फीमेल जो है ना, ये आ गया। चेक करें, वाइट आंखों वाली फीमेल कहाँ पे उड़ रही है, कहाँ पे उड़ रही है, ये उड़ रही है, ये उड़ रही है, बल्कि नहीं ये तो अपना दोगला लग रहा है, वो उड़ रहा है लाखा। आपको दिखाता हूँ, लाखा भी मस्त उड़ रहा है। वो वाइट आंखों वाली फीमेल बैठी है, पता नहीं पीली आंखों वाला बैठा, समझ में नहीं आई मुझे किधर है भाई वो कबूतर जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। ये लाखा जा रहा है, चेक करें, और वो फीमेल नहीं नजर आ रही, बस फीमेल किधर गई। लो भाई मुर्गों ने पकड़ा वाला भी जो है ना उड़ा दिया नीचे से, और ये भी उड़ के सामने जाके बैठ गया। टंकी में बैठ रहा था लेकिन बैठा ही नहीं, सामने चला गया। तो ये भी आ जाएगा इंशाल्लाह, बाकी वाले भी आ जाएंगे। फीमेल नजर नहीं आ रही, हो सकता है वो आगे पीछे हो गई हो। हाँ लाखा है ये तो, बल्कि अब पता नहीं क्या सीन है, ये दोगला उड़ रहा है, वही फीमेल उड़ रही है। ये गेड़े लगा रहे, चेक करे पकड़ा वाला, आओ 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 आओ। लो ये भी निकल गया दूसरे कबूतर के साथ ही, गोल गोल हो जा रहा है। ये आगे पीछे था किसी के कबूतर आए ना तो उन्होंने काम खराब कर दिया। लो भाई ये तो सीधा सीधा ही निकला है रॉकेट की तरह। वो पीछे से फुल टोली भी उड़ गई है किसी की, पट्टी वालों की ना। अब देखते हैं ये हमारा वापसी आता है कि नहीं आता, ये तो नहीं आता। ये मुझे फीमेल ही लग रही है वाइट आंखों वाली। तो बस अब दो तीन हमारे नए उड़ रहे हैं, तो थोड़े बहुत कबूतर मैंने और बाहर निकाल दिए। अब जिसने आना होगा वो खुद ही से आएगा, मेरी तो सारे नज़रों से गायब हो गए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कौन सा उड़ रहा है। ये पकड़ा वाला तो आ गया भाई, ये तो बहुत हाइट पे लग गया था, आसमानों में चला गया था, लेकिन ये खुद ही से आ गया। और वाइट आंखों वाली मादी और लाखा जो है ना अभी गायब पड़े हुए। तो ये तो बड़ा पकड़ा हुआ कबूतर तो आ रहे हैं, देखें बहुत हाइट में चला गया था, अभी खुद ही आया, ये इतना नीचे आ गया, अभी गोल गोल छत में ही घूम रहे। तो इसीलिए मैंने कबूतर खोले, ये देखें ये जा रहा है वाइट, ये समझ में नहीं आ रही, कलर नहीं हो ना कौन सा वाला कौन सा है। ये ले भाई ये तो कुलदमो बाहर निकाला, फुल ठापे लगाए जा रहे, दाना मार रहा हूँ ताकि जो उतर रहा है वो उतर जाए। ज्यादा हमने किसी को फोर्स नहीं करना कि ज्यादा उड़े आज, सारे जो है ना जल्दी आगे उतरे। वैसे तो लाखा भी नजर आ गया, ये आ रहा है गोल गोल हो रहा है अब छत में, अब ये भी उतरेगा इसी तरह इंशाल्लाह, सारे पक्के करूंगा मैं। लाखा भी गोल गोल घूम रहा है, वो कलदमा आगे गया अभी, वो शायद आगे से कहीं बैठ गया है, या देखे वहां पर कबूतर की टोली उड़ रही है ना पूरी, वहां लग रहा है बार बार। ये तो दोगला उड़ रहा था कब से, जो मैं कह रहा था ना वाइट आंखों वाली मादी है शायद। ओ देखे एकदम इतने सारे कबूतर हो गए यहाँ पे, ओ लाखे को भी खींच के ले गए और हमारे पकड़े वाले कबूतर को भी खींच के ले गए और हमारे कबूतर को भी खींच के ले गए। ये आगे चेक करे, पीली आंखों वाला जो सामने छत में बैठा होता ना, वहां से ये भी छत में आ गया। नहीं अभी तक सिर्फ दो हमारी छत में आए, तीन अभी तक हमारे ऊपर ही है। ओ भाई तीन की टोली बन के उड़ना शुरू हो गए, हमारे सारे कबूतर जो ना ऊपर जा रहे हैं अब उन वाले कबूतरों के साथ जो ना, अगर ऊपर चले गए ना फिर ये वापसी नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तो कच्चे पक्के हमने नीचे उड़ाने के लिए छोड़े और उन भाई के कबूतरों के साथ जो है ना ऊपर जा रहे हैं, यानी कि अब तबाही मचने वाली है। एक तो ये आ गया, ये पता नहीं अपना है कि किसी और का है। जो पकड़ा वाला है ना उसका तो मुझे लग रहा है आएगा, ये देखें ये आ रहा है अब दोबारा से अलग हो के हमारी छत वाली साइड में आ गया, पूरा छत के ऊपर ही। तो इसके मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये आ जाएगा, हालांकि इसको भी ज्यादा टाइम नहीं, और उन कबूतरों को जो हम खरीद के लाए थे उनको तो बहुत टाइम हो गया। दूसरे कबूतर आते उनके साथ चला जाते लेकिन फिर हमारी छत पे वापसी आ जाता है। पता नहीं इसने शायद पहले का इलाका देखा हुआ है हमारा, या क्या सीन है कि हमारी छत पे बार बार आ रहा है। बिल्कुल अपने कबूतर के साथ साथ ही लगा, ये आया नीचे, वो देखें कैसा आया, ये आ गया। ये तो भाई बहुत अच्छी परवास करके आ गया यार, मैंने तो सोचा था इसकी दम खराब सी है, ये उड़ेगा नहीं सही, लेकिन अच्छा उड़ के आ गया। बहुत हाइट पे चला गया था ये,
लेकिन वापसी आ गया। और कोई कबूतर हमारा हाइट पे नहीं गया था, ये वाला भी नहीं गया, कहाँ गया वो, कहाँ गया वो पट्ठा, वो भी हाइट पे नहीं गया था, और ये पीला वाला तो बैठ गया था। ये दोनों आ गए, ये हाइट पे जाके भी आ गया। अब लाखा है हमारा, वो हाइट पे लग गया शायद उन कबूतरों में ऊपर टोली में, और वाइट आंखों वाली मादी पता नहीं कहाँ चली गई, वो नजर नहीं आ रही बस। तो अभी जो है ना ब्रीडिंग वालों को सुबह का दाना मैंने रख दिया, और साथ ही जो ना पानी भी रख दिया। अभी जो ना जल्दी जल्दी से सारे दाना खाएं और अपने बेबी बेबी को फीड कराएं। तो चेक करें, लाखा भी जो है ना आ गया, बस एक कबूतर जो है ना रह गया जिसका मुझे लग नहीं रहा कि वो आएगा। वो तो नजर ही नहीं आई स्टार्ट से ही, जो वाइट आंखों वाली मादी हमने मार्केट से ली थी ना, बस वो नहीं नजर आई, बाकी के तो सारे आ गए। और ये कबूतर जो है ना मुझे सुस्त लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, जो ना बीमार हो जाएगा, लकवे या झोले में चला जाएगा, जो आमने सामने बैठ रहा था ना पीली आंखों वाला। अभी भी देखें किस तरीके से चल रहा है, बिल्कुल ढीला हुआ हुआ है। मेरा तो दिल है कि इसको ना अलग ही कर दूं, अगर सेट हो गया ना वापसी से छोड़ देंगे। हिल तो गया है वैसे हमारी छत का, तो बस मेरे को इसका थोड़ा डर लग रहा है कि ऐसा नहीं है सब में ही वायरस फैला है। बाकी कल दूंगा तो बड़ा अच्छा उड़ के आया है, लाखा भी बहुत अच्छा उड़ के आया है आज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों अभी जो है ना शाम का वक्त हो गया, सुबह सुबह में मैंने अपने कबूतर उड़ाए थे, और जो है ना फिर मैंने देखा था हमारे चार कबूतर जो है ना वापसी आ गए थे, नए कबूतर के जिसके हमने पर खोल देना, वो भी अच्छा वाला उड़ के आ गया था। लेकिन जो हमारी एक पुरानी कबूतरी रह गई थी ना वाइट आंखों वाली, वो ना स्टार्टिंग से ही पता नहीं नजर ही नहीं आई, वो ना कहाँ चली गई थी मुझे समझ में ही नहीं आई। जब मैंने डंडा किया ना सारे कबूतर हमारे उड़ रहे थे, लेकिन वो कबूतरी ना मुझे उस टाइम पे ही नजर नहीं आई, पता नहीं वो शायद आगे पीछे बैठ गई थी उस टाइम पे और फिर कहीं उड़ के चली गई या क्या हुआ उसका पता ही नहीं चला अभी तक कि वो कहाँ चली गई, वापसी भी नहीं आई हमारी छत में। तो अभी जो है ना शाम का टाइम हो रहा है, और मैंने जो है ना दाना निकाल लिया, और चेक करें ये रहा दाना, और इस पर जो ना मैंने तेल भी लगा लिया, मछली का यूज़ हुआ जो तेल बचता है ना वो जो ना मैंने दाने पे लगा लिया। चेक करें कैसा जो है ना चमक रहा है माशाल्लाह से। तो अभी जो है ना जल्दी से ये दाना लेके चलते हैं, और जो है ना अपने कबूतरों को डालते हैं ब्रीडिंग वाले, तो और देखते हैं उनके दूसरे अंडे आए भी हैं कि नहीं आए, और दूसरे जोड़ों का भी चेक करते हैं अंडे आए कि नहीं आए। वैसे दो जोड़े मुझे लग रहा था अंडे देंगे, तो चलते सुबह में तो मैंने देखा था उनके दूसरे अंडे नहीं आए थे, तो अभी चलते हैं और अभी देखते हैं। तो ब्रीडिंग केज में तो हम लोग आ गए, और चेक करें वो जोड़े जो है ना अभी उड़ गए हैं मेरे ख्याल में, ये वाला उड़ गया, वाला जो है ना अभी तक बैठा हुआ ये। तो दाना जो है ना हम निकाल लेते हैं और दाना जो है ना इनको डालते हैं। सुबह में जो डालता हूँ ना वो अभी इस टाइम पे ये लोग जो ना खत्म करते हैं, क्योंकि चने वने खा के ना सारा छोड़ देते, फिर वो जोड़े वाले जो दूसरे जिनके बेबी थे ना वो लोग ही खाते। दाना हमने डाल दिया, इनको आने देते हैं। और मुर्गी हमारी जो है ना शोर मचा रही है मेरे ख्याल में, बाहर भी आ गई है वो, तो उसको भी ना खोलते हैं, उनको भी सुबह से खोला नहीं। और मैंने एक चीज़ देखी है, वो चेक करें इसका आ भी गया इतनी जल्दी। मैंने सोचा था एक हफ्ते बाद आएगा इसका अंडा, और उसका चेक करें दोनों हो गए। और यहाँ पे चेक करते हैं, ये चेक करें भाई साहब इसका भी आ गया दूसरा अंडा माशाल्लाह। और किसका, इसके तो हमारे अंडे थे, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, आया कि नहीं आया, नहीं, फुल अंधेरा हो रहा है। और यहाँ पे माशाल्लाह से चेक करें भाई, और इन दोनों का तो मैंने कहा था कि एक एक हफ्ते में अंडे आएंगे, इन दोनों के आज आ गए, सुबह में तो नहीं थे ना इनके अंडे। माशाल्लाह यार इसके भी दो हो गए, इसके भी दो हो गए, इस फीमेल ने भी दे दिया, चेक करें ये कलसरी हमारी फीमेल बैठी हुई है, और इसने भी दे दिया, छुपा छुपा के बैठे हुए, चेक करें ऐसे आगे 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 बैठे हुए, अंडे ही नहीं दिखा रहे, ओए दिखा चल, दिखा दिखा दिखा, वो चेक करें माशाल्लाह। इस फीमेल के मुझे लग रहे आ जाएंगे बहुत जल्दी। बाकी यहाँ पर जो है वो तो हमारी पट्टी है, वो भी दसवीं कली साफ कर रही है, उसका हो सकता है टाइम लगे, क्योंकि बिल्कुल जवान पट्टी है। ये देखें ये भी नर कैसे मार रहा है मादी को, लेकिन ये मादी मुझे लगता है अंडे बंदे है, कभी अंडे नहीं देगी शायद, पता नहीं क्या सीन है, देगी नहीं देगी इसका, देखेंगे। अगर इसके लिए कोई मादी मिल गई ना नर के लिए, तो दूसरी मादी इसके साथ लगा देंगे, इसके अंडे नहीं देना, वरना जब तक लगी रहे अगर मादी मिल गई तो चेंज करेंगे, वरना फिर देखेंगे इसका क्या करना है। यार बड़ी मतलब माशाल्लाह से गुड न्यूज़ हो गई यार, ये तो अंडे ही अंडे हो गए यहाँ पे। ये देखें इसने कितना गंद कबाड़ा जमा किया हुआ है, यही वाला नर है, मैं फेंकता हूँ ये फिर से उठा के ले जाता, सारा गंद भला ही जमा कर लेता अपने प्याले में। तो ये वाला बेबी चेक करें माशाल्लाह से काफी बड़ा हो गया यार, माशाल्लाह से गुड न्यूज़ ही हो गई। ये तो दाना खाने भी नहीं आ रहे मेरे से डर के ना, तो हम साइड में हो जाते हैं, दाना खाने आ जाएंगे, वो देखें उसको सारा बाल्टी में घुस के सारे चने चने खा रहे। ये तो डबल गुड न्यूज होगा यार, मैं तो देखने गया था कि उन दो जोड़ों के दूसरे अंडे आए नहीं आए, उन दोनों ने भी एक साथ अंडे दिए थे एक ही दिन में, रात में उस फीमेल ने भी दे दिया था, उस फीमेल ने भी दे दिया था, और आज जो है ना शाम में इस फीमेल ने भी दे दिया, और दूसरी फीमेल ने भी दे दिया जिनका मैंने कल आपको कहा था कि इनका मुझे लग रहा है एक हफ्ते में आएंगे अंडे। नीचे वाली का तो मुझे लग रहा था कि एक हफ्ते में आएंगे, ऊपर वाली का मैंने आपको कहा था हो सकता है 3 से 4 दिन में आ जाए, दोनों ने एक साथ दे दिए एक ही दिन में। तो मुर्गे भी जो है ना मैंने खोल दिए, ये लोग भी बाहर घूमते रहे, कबूतर तो हमारे वैसे भी सारे ऊपर ही होते हैं, तो इतना कोई मसला नहीं है इनका। तो टार्जन तो ना अपना अजीब है, एक साइड से जो ना बाल गिरा के पूरे करता है, फिर जो ना दूसरी साइड से थोड़ा सा आगे से और गिरा देता है, इतना टाइम हो गया इसकी ना गर्दन के बाल पूरे ही नहीं हो रहे, मैं आपको दिखाता हूँ ये चेक करें, अभी जो है ना यहाँ से पूरे बड़े किए इतना टाइम लगा के, और अब जो है ना यहाँ से गिरा दिए,
तो पता नहीं क्या अजीब सी कुरीज कर रहा है, एक साथ सारे गिरा के एक साथ ले आए ना वो ठीक है, लेकिन नहीं इतना टाइम लगा रहा है, पता नहीं कैसा है। बहुत टाइम बाद जो है ना इसकी कुरीज पूरी होगी मुझे तो लग रहा है। और दुम भी माशाल्लाह से चेक करें, इसकी काफ़ी बड़ी हो गई है। चल दुम दिखा ये चेक करें, काफ़ी माशाल्लाह से ना दुम भी बड़ी हो गई, कद भी इसका काफ़ी बड़ा हो गया और सफ़ेद सफ़ेद ही बना है। मुझे लगा था अपने बाप जैसा कलर जो है ना बहुत जल्दी निकाल लेगा, लेकिन दुम भी सारी सफ़ेद लेकर आया भी और गर्दन के भी ना ऐसे हल्के हल्के ब्राउन वाले लेकर आया। तो खैर जैसा भी बन रहा है बड़ा ही प्यारा बन रहा है भाई, गिरा नहीं, चल खा रहा तो शराफत से खा ले। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आप दोस्तों को आज की वीडियो में मजा आया होगा, मिलेगा आपसे इंशाल्लाह कर एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।